बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि 6 अलामात से पहले आमाल कर लो, धुआँ, दज्जाल, ज़मीन का जानवर, सूरज का पश्चिम की तरफ से निकलना, आम फितना और तुम में से हर एक का ख़ास फितना। दोस्तों, ख़ास फितना क्या है और आम फितना क्या है, इसकी तफसील डिस्क्रिप्शन में तफसील के साथ मौजूद है। रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से, फरमाते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते सुना कि पहली निशानी जो निकलेगी वो सूरज का पश्चिम की तरफ से निकलना है और जानवर का लोगों के सामने निकलना है दोपहर के वक़्त। इन दोनों में से जो भी अपने साहिब से पहले हो तो दूसरी उसके करीब ही पीछे होगी, इसकी तफसील भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, फरमाते हैं फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि 3 चीज़ें जब नमूदार होंगी तो किसी नफ्स को उसका ईमान नफ़ा ना देगा, जो पहले से ईमान ना लाई थी या अपने ईमान में भलाई ना कमाई थी। सूरज का अपने पश्चिम से निकलना, दूसरा दज्जाल और तीसरा ज़मीन का जानवर। ज़मीन का जानवर क्या है, इसकी तफसील भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।